दोस्तों IPL साल 2023 का सीजन शुरू होने में भी काफ़ी ज़्यादा समय बाकी है और यही समय काफ़ी सारे फैंस मिस कर रहे होंगे, अलग अलग लीक्स देख रहे होंगे। तो वो जो भी लीक्स देखते हैं उनके रिगार्डिंग अपडेट्स, वहीं दोस्तों एशिया कप हो रहा है, वो भी मैचेस TKR खेल रही है, वो भी मैचेस CPL वगैरह जो भी लीग्स है सबके लिंक है टेलीग्राम में फॉलो कर लो। बात करेंगे KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के बारे में और टीम KKR के दिन भर में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और ढेर सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है। और आप सभी को तो पता है कि हमारा काम है आप सभी फैंस को सबसे पहले सबसे ज़्यादा और एक्यूरेट अपडेट्स हमारे साथ हम दें। तो यार इन्हीं के साथ जो भी अपडेट्स हम आपको देते हैं तो उसमें लगता है काफ़ी एफर्ट के बदले हम आपसे केवल एक ही चीज़ मांगते हैं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए देखोगे आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों अगर आप भी हैं IPL के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा IPL की लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों आज बात करेंगे दुनिया की सबसे ट्रस्टेड बुक बालाजी के बारे में, जो कि साल 2014 से मार्केट को रूल कर रहा है। 24/7 का आपको विड्रॉल और डिपॉजिट की सर्विस यहां मिलेगी। अगर आपको कोई भी इशू इसमें आता है तो आप कस्टमर सर्विस से भी 24/7 बात कर सकते हो। अगर आप घर बैठे एशिया कप और वर्ल्ड कप में बहुत सारे पैसे आसानी से कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में इनकी डिटेल्स दी गई है, जल्दी से जाकर ID ले लो बालाजी बुक पे। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम IPL साल 2022 या था उससे सीजन से पहले भी आपने देखा होगा इंपॉर्टेंट स्टेज पर आकर चोक कर देती है। तो खैर दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताओ कि टीम KKR को ऐसा क्या करना चाहिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुकाबले होते हैं उसमें वो नॉर्मल परफॉर्मेंस या फिर अच्छा परफॉर्मेंस दे दे। तो अब अपडेट्स की बात करें पहले अपडेट आ रही श्रेयस अय्यर को लेकर। सो टीम KKR के कैप्टन बनाए गए, इस सीजन खरीदे गए थे, परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट रहा था एज अ कैप्टन, बैट्समैन वाइज भी काफ़ी सही रहा था। बट जो ओरिजिनल श्रेयस अय्यर, जो अग्रेसिव श्रेयस अय्यर हम जानते हैं, वो देखने को नहीं मिले। हालांकि अभी वो जो बाउंसर वाला इशू है जिस वजह से यहाँ पर उनको एशिया कप से बैकअप प्लेयर बनाया गया था, उनको रखा नहीं था यहाँ पर मेन स्क्वाड में, वो इशू अभी वो सॉल्व कर रहे हैं। और दोस्तों एक बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छी अपडेट आप सभी फैंस जो कि KKR या फिर श्रेयस अय्यर फैंस के लिए हो, तो यार दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एशिया कप के सिलेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो गए थे, खास तौर पर बॉलिंग को लेकर, बैटिंग के अंदर इतना ज़्यादा इशू नहीं आया था। बट दोस्तों फाइनली दोस्तों वर्ल्ड कप से पहले आप सभी को पता है कि यहाँ पर टीम इंडिया दो इंपॉर्टेंट सीरीज खेलने वाली है और श्रेयस अय्यर अभी वेस्ट जोन से खेलने वाले थे, बट दोस्तों उनका नाम वेस्ट जोन में आया ही नहीं, उनकी रिप्लेसमेंट बने हैं अरमान जाफर। पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, सोर्सेज ने बताया है कि उनको कॉल आया है टीम इंडिया के लिए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए। देखते हैं ये हिंट, ये लीक कंफर्म होती है या फिर नहीं, बट आप कमेंट करके जरूर बताओ कि अभी जो यहाँ पर सीरीज खेलने वाले साउथ अफ्रीका और इंडिया जो ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्या उसमें टीम इंडिया के अंदर श्रेयस अय्यर होने चाहिए या फिर नहीं। अगली अपडेट आ रही है अजिंक्य रहाणे को लेकर। सो दोस्तों T20 के अंदर तो ये मास्टर है, फॉर्म के अंदर कभी ऊपर नीचे चलते रहते हैं और T20 के अंदर ये सिर्फ टाइम का खेल है, बट दोस्तों जिसके अंदर ये लेजेंड है उस गेम की बात करें तो अभी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने वेस्ट जोन से खेलते हुए दी है। 207 रन नॉट आउट बनाए हैं, 264 गेंदों का इन्होंने सामना किया और बहुत ताबड़तोड़ इनकी पारी रही। और कमाल की बात है दोस्तों अजिंक्य रहाणे अभी थोड़े स्टेबल नज़र आ रहे हैं, टीम KKR एक बार फिर से इनको रिवाइव कर सकती है, रिटेन तो नहीं करेगी यहाँ पर, निकालने के बाद रिवाइव कर सकती है। लेट्स सी दोस्तों जो भी अपडेट होगी देंगे हम आपके साथ। आपको सबसे पहले लास्ट अपडेट आ रही है टैलेंट स्काउट को लेकर। सो दोस्तों हमने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर जो CIB है यानी दोस्तों जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल है CIB, वो यहाँ पर दोस्तों कुछ बंगाल के लोकल प्लेयर्स को लेने वाला है। और टैलेंट स्काउट की अगर बात करें तो दो प्लेयर ऐसे हैं जो आपको यहाँ पर ऑक्शन में या फिर लेते हुए देखने को मिले ना मिले, बट शॉर्ट लिस्ट हो गए बंगाल के खिलाड़ी, वो है एक तो अभिमन्यु ईश्वरन और एक है मुकेश कुमार। तो आप इनके बारे में गूगल वगैरह पर पढ़ सकते हो। तो खैर ये थी आज की अपडेट्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर लाइक कर दो।